नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आए हैं नक्षत्र विला टाउनशिप, जो कि न्यू हाई कोर्ट हलामंड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर स्थित है। यह है मेन हाईवे रोड डांगियावास बाईपास, जो कि सीधा जयपुर और डांगियावास सरदार सदन की तरफ जाता है। आइए नक्षत्र की सैर कराते हैं आप। ये मेन गेट है, सिंगल गेटेड टाउनशिप है। सिक्योरिटी की वजह से एक ही गेट रखा गया है ताकि किसी और जगह से कोई एंट्री ना हो पाए। आइए हम अंदर भी चलते हैं। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं एंटर होते ही यहाँ पे ग्रीनरी हमको दिखाई दे रही है, ताजी हवा, अच्छा माहौल बनाने के लिए। इस तरफ हम देख पा रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है, डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे विला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरफ हम चलेंगे पहले, जो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं इस टाउनशिप ने दी है यहाँ के रहवासियों को, सबसे पहले उनकी सैर आपको कराता हूं। आइए, यहाँ हम देख पा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए गार्ड हमने देखा बाहर गेट पर, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी हम देख पा रहे हैं, आईपी कैमरास लगा हुआ है, टोटल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। पोल्स पर हम देख पा रहे हैं कि ये पोल्स पे लाइटें लगी हुई हैं, ये भी सोलर पावर्ड है, इससे बिजली की खपत की भी टेंशन दूर हो जाती है। दूसरा, कभी पूरे शहर में पावर कट भी हो जाए तो यहाँ पे उजाला बना रहेगा। आइए एमिनिटीज की ओर चलते हैं। दोस्तों, अभी हम आए हैं नक्षत्र विला टाउनशिप के गार्डन एरिया में। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा 60,000 स्क्वायर फीट लैंड पर बनाया हुआ ये गार्डन है, जिसमें बहुत सारी चीजें एमिनिटीज के तौर पर हमको मिली हुई हैं। जैसा इस तरफ आप देख सकते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट बनाया जा रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जा रहा है, उसके लिए ये स्लैब डाला गया है। और इसके बिल्कुल बाद गार्डन एरिया स्टार्ट हुआ है, जहां पर एक ये फाउंटेन, इसके बाद आगे एक और फाउंटेन है जो इससे भी और बड़ा और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आइए वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इस तरफ ये बड़ी फाउंटेन है, बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। इवनिंग टाइम में ये और भी आलीशान और सुंदर दिखता है, लाइटिंग, झरने, फवारे, बहुत ही सुंदर दिखता है। शाम के समय यहाँ बैठने में बहुत आनंद आता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के प्ले एरिया बनाया गया है, झूले लगे हुए हैं, ये व्हाइट कलर की वॉल पे ओपन एम्फीथिएटर की भी व्यवस्था अभी शुरू होने वाली है। तो हम देख पा रहे हैं गार्डन में भी बहुत सारा मल्टीपल यूज करके इसको एमिनिटीज के तौर पे बहुत ही अच्छे से सुसज्जित किया जा रहा है। दोस्तों, ये है आरओ प्लांट, जिसकी वजह से नक्षत्र विला टाउनशिप एक इकलौती टाउनशिप बन गई है, जिसमें 24 घंटे पीने का पानी हमारे लिए उपलब्ध है। बहुत सारे टाउनशिप्स जोधपुर में और भी अवेलेबल हैं, जिसमें पानी की बहुत किल्लत है, एक मिनट के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन नक्षत्र इकलौती सोसाइटी बन गई है जोधपुर में, जहां पे 24 घंटे पीने का पानी है। सरकारी पानी की लाइनें भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं सारे रहवासियों को, पानी शुरू हो चुका है आना, उसके साथ साथ बैकअप के तौर पे आरओ प्लांट। इसके बाद का जो एरिया हम देख रहे हैं, वहां पे अभी डेवलपमेंट शुरू है, थोड़े टाइम में यहाँ पर क्लब हाउस बहुत बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर जिम, किड्स प्ले जोन, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी एमिनिटीज उसमें दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे माहौल बहुत ही रिहायशी, बहुत ही पॉश बनने वाला है। तो ये है हमारी नक्षत्र विला टाउनशिप का एमिनिटीज का एरिया। अब हम चलते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन एरिया की ओर। अब हम आ गए हैं नक्षत्र विला टाउनशिप की रेसिडेंशियल एरिया में। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK, इन एकोमोडेशन के साथ विलाज अवेलेबल हैं। इनमें हम देख पा रहे हैं विलाज रेडी हैं, इनमें रहवास भी शुरू हो चुका है, 25 से 30 परिवार लगभग यहाँ पे रहवास ऑलरेडी कर रहे हैं। JDA द्वारा अप्रूव्ड ये इकलौती कॉलोनी है, JDA पट्टाशुदा कॉलोनी है, जिसमें 90% लोन भी हो जाता है, 25-30 परिवार रह भी रहे हैं, और भी अभी दीपावली आने वाली है उस पे और परिवारों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाने वाला है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे विलास रेडी भी हैं, कुछ रेडी हो भी रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में यहाँ पे चालू है।